हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस रूम में लगी हुई हूँ। सुबह 9:30 का टाइम है, बाकी का काम तो हो गया है। मेरी मेड गई हुई है गांव अभी, तो बाकी सफाई तो हो गई है, लेकिन ये जो रूम है छोटा वाला जिसमें शिप्रा का हमेशा सामान रहता था और अभी भी इतना पड़ा है, देख, और उसका इतना बड़ा घर है उसमें भी उसको परेशानी हो रही है सामान को रखने में। तो कुछ मेरा सामान भी फैल रहा है, तो ये सारे कपड़े वगैरह इतने फैल चुके हैं कि रोज सोचती हूँ आज करूँगी आज करूँगी, और घबराहट के मारे शुरू ही नहीं कर सकती हूँ इस काम को, घबराहट रहती है। तो आज थोड़ी सी हिम्मत की है कि कुछ उसका सामान सेट करूँ, कुछ अपना करूँ, तो बस यही कर रही हूँ। जितना सेट होगा उतना आपको जरूर दिखाऊंगी कि कितना सेट हुआ मेरा सामान, क्योंकि मेरा खुद का बहुत सामान है, और जो ऊपर मेरा रूम शिप्रा वाला वो भी खाली हुआ, तो उसमें भी क्या है कि क्षितिज के क्लिनिक का सामान है, क्योंकि क्लिनिक में बहुत सारा सामान आता है, दवाइयां हैं और हैं फूड्स वगैरह हैं डॉग के, तो वो सामान उधर रखा है। तो एक रूम मेरा वो एंड है और एक रूम ये एंड है, तो मेरे को रहने को केवल एक रूम रह गया है। तो एक एक रूम में मैं बोर हो गई हूँ बुरी तरह से, तो इसलिए मैं सोची हूँ कुछ बैठने लायक इसको भी करूँ, तो मैं भी कहीं बैठ के अपना कुछ काम कर सकूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस भी ढंग की नहीं बन पा रही है, ना मैं कोई काम कर सकती हूँ। एक ही रूम में सब बैठे रहते हैं, तो एक ही रूम में कोई काम होता ही नहीं है मेरे से, शांति में बैठ के कोई काम होता है, कोई सिलाई करूँ चाहे कुछ करूँ। वो हॉल है तो डाइनिंग हॉल है, उसमें भी एमी का सामान है बहुत सारा, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे भी घर, मेरा घर भी छोटा पड़ रहा है। जो घर का बेकार होता है उसे निकाल देना चाहिए, तो शिप्रा भी निकालेगी जब उसको टाइम होगा, तो उसका अभी भी इतना भरा हुआ है सामान। कुछ सामान हम देंगे, ज़रूरतमंदों को दे देंगे, और इस तरह से थोड़ा सा खाली होगा। तो बस करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे बहुत। तो मेरी अभी तबीयत खराब चल रही है, थोड़े सिर में दर्द है, पता नहीं चश्मे की वजह से है या किस वजह से है, या तो चश्मे के नंबर बदल गए या कोई और वजह, सिर में दर्द है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप ली थी आज मैंने, और सांस भी फूल रहा है। अभी मैं शिप्रा के घर आई हूँ, तो अभी पूरी उसकी किचन जमी नहीं है, काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं उसकी बाहर ही, क्योंकि उसको अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँ, तो टाइम भी नहीं है और समझ भी नहीं आया पूरा। तो जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो उसने यहाँ रख ली हैं। तो मैं उसके घर आई थी, दही जमाने के लिए आई थी। आज वो कह गई थी मम्मी मुझे देर हो गई है, तो दही नहीं जमा पाई, और दूध भी लेट आता है हमारा दूध आता है 9:30-10 बजे के आसपास, और वो तो 8 बजे चली जाती है। तो फिर शाम को आके दही की लस्सी पी ले या फिर छाछ पी ले, तो इस कारण मैं उसका जो दूध आता है वो थोड़ा जमा देती हूँ, दूध उठता ही नहीं है उसके। तो पहले तो मैं अपने घर का दही जमा के आई हूँ, दूध का मतलब, और अब शिप्रा के यहाँ आई हूँ, तो देखती हूँ उसका दूध फ्रिज में रखा होगा। हमारा दूध वाला जो आता है वो सुबह अच्छा दूध लाता है, शाम को लिया करती थी शिप्रा, तो
शाम का दूध थोड़ा पतला होता है और थोड़ा अजीब सा लगा, उसे पानी वाला लगा कि कहीं थोड़ा पानी तो नहीं है दूध में। हालांकि नहीं है, वैसा ही है, लेकिन थोड़ा मुझे भी लगा मलाई कम आती थी दूध में, तो मैंने बोला कि मैं सुबह तेरा दूध ले दूंगी, गर्म भी कर दूंगी। और उसने बोला मम्मी आपको तकलीफ होगी, उधर से यहाँ आओगी फिर रखोगी, तो मैंने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, गर्म कर देंगे तेरे दूध को और रख के आ जाएंगे। तो कई बार उसके पापा आके फ्रिज में रख के चले जाते हैं, कभी मैं आ जाती हूँ। तो अभी तो कोई काम नहीं था, थक भी सो गया, उसकी छुट्टी थी आज, मैंने उसको बोला भी चलेंगे अपन, तो वो पहले ही सो गया, तो उसको सुला के और फिर यहाँ पे आई हूँ और बस इसको जमा दूंगी। तो शाम को आएगी, इतने में दही जम जाएगा तो उसके काम आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो दही रखा है उसके, लेकिन दोनों के काम आ जाता है, अथक के और उसके, तो बस ये काम करने आई थी। तो दही जमा दिया है, नीचे इस प्लेट में पानी डाल दिया है मैंने, इससे क्या है कि खट्टा नहीं होगा दही, नहीं तो खट्टा हो जाता है। शाम को वो आएगी तब तक जम तो जाएगा लेकिन खट्टा हो जाता है, तो मैं इसको पानी में रख के जाती हूँ। तो यहीं बैठकर आपसे बात कर लेती हूँ और फिर जाऊंगी अब मैं। गाड़ी वालों की आवाज आती रहती है। तो बस क्या है कि कल हमारा गैस खत्म हो गया था, हमारा वाला जो गैस था, तो मेरे दो सिलेंडर हैं, तो एक सिलेंडर मैंने दे रखा है शिप्रा को, क्योंकि अभी उसका सिलेंडर नहीं है उसके पास, फॉर्म भरेगी फिर सिलेंडर उसका आएगा। तो सिलेंडर खत्म हो गया तो उसने बहुत बोला मम्मी यहाँ पे कर लो खाना वाना, यहाँ बना लो, लेकिन बस वही है कि बेटी के घर में हमसे होता नहीं है कुछ ऐसा, कोई फंक्शन वगैरह हो तो ठीक है, उसमें तो हम कुछ देते हैं करते हैं तो कुछ खा लेते हैं, पर रोज में तो ऐसा नहीं है। तो फिर मेरी बहू भी जुगाड़ू है मेरी जैसी, तो उसने इंडक्शन निकाला, और इंडक्शन वाले इतने बर्तन नहीं है मेरे पास, इंडक्शन मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था जब ये रिटायर हुए थे, तो मेरे यूज ही नहीं आया, एक बार यूज किया था, तो कल बहू ने फिर निकाला, उसको ही चलाना आता है, मैंने तो अभी सीखा भी नहीं, तो उसने निकाला कि मम्मी इसमें कर लेते हैं, तो उसने कई तरह के बर्तन उसमें यूज किए, तो बर्तन इंडक्शन वाले नहीं थे तो कई बर्तन उसमें चढ़े नहीं, फिर बाद में एक बर्तन चढ़ गया, उसमें चाय भी बन गई, अथक की मैगी भी बन गई। तो इस तरह से हमने कल टाइम निकाला, शाम को बाहर से ले आए खाना। शिप्रा ने बहुत कहा मम्मी ऐसे मत करो, यहाँ पे बना लो, पर बनाया ही नहीं। तो मैंने देखा कि मेरी बहू भी मेरी जैसी जुगाड़ू है, सुबह भी उसने क्या किया कि खूब सारे बर्तन, सारे जितने भी घर के बर्तन हो देखे, निकाल निकाल के कि इसमें कौन सा चढ़ता है, इसमें पूड़ी बना लेंगे मम्मी, रोटी तो थोड़ी धीरे बन रही थी, तो जो एक कढ़ाई मैंने अभी नई लेके आई थी, बहुई लेके आई थी, तो वो चढ़ाई, उसमें क्या है कि पोहे भी बन गए, तो पूड़ियाँ भी बन गई, सब्जी भी बन गई, तो सब कुछ बन गया उसमें, तो खाना बन गया। तो मैंने कहा मेरी बहू भी जुगाड़ू है जैसे मैं थी। तो मैं कभी जब हमारे यहाँ भी ऐसा होता था, आज से 25-30 साल पहले की बातें हैं, जब गैस एकदम नहीं आया करता था और 20-20 दिन लग जाते थे गैस खत्म होने में, चूल्हा जो मतलब गैस खत्म हो जाता था, सिलेंडर तो बहुत टाइम लग जाया करता था। तो मैं क्या करती कि कोई भी घर पे लकड़ियां पड़ी होती या फिर उपले होते हैं गाय के, वो मंगा लेती थी इनसे, और घर पे कोई भी ईंट वगैरह पड़ी होती तो इसी घर में, मुक्ता प्रसाद में आए मुझे 33 साल हो गए, तो मैं छत पे जाके वहां पे 3 ईंटें लगाती, या मेरे पीछे एक आंगन था, जो कमरा है अब छोटा वाला वहाँ आंगन था, तो वहाँ पे मैं ईंटें लगा के और खाना पूरा बना के सबको खिला देती थी, कोई भी टेंशन नहीं करती थी। तो एक दिन मेरी सास आई
तो उन्होंने देखा, वो इसीलिए आई थी कि उनको पता लगा कि सिलेंडर नहीं है, क्योंकि मैं उनसे भी पूछ के मैंने बेटे को भेजा था कि सिलेंडर उनके यहाँ हो तो अपन ले लेते हैं कोई, तो उन्होंने कहा मेरे भी नहीं है। तो खुद आ गई बेचारी, आई और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरा रख ही लो सिलेंडर और बना लो, क्योंकि तुम्हारे तो बच्चे हैं, मैं अकेली हूँ, मैं कोई जुगाड़ कर लूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं आपका नहीं लूंगी सिलेंडर, और मैं जब तक खाना बना चुकी थी चूल्हे में, तो उन्होंने देखा मेरे ईंटे वगैरह लगा के और मैंने चूल्हे में खाना बना लिया था, तो बड़ी खुशी, उनको चाय भी पिलाई मैंने। अब उनको याद है या नहीं है यार, मुझे याद है ये बात। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो चाय भी मिल गई और तुमने खाना भी बना लिया, तो तुम तो बहुत होशियार हो, बहुत ही जुगाड़ू हो, और देखो कितने जल्दी तुम मेरी जैसी हो तुम भी। तो मैं बड़ी खुश हुई, मेरी सास से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, कई जुगाड़ू काम वो करती थी, तो मैंने बहुत सी बातें उनसे भी सीखी। तो फिर आज मैंने जब अपनी बहू को देखा कि वो कितने जुगाड़ लगा के और उसने खाना बना दिया, तो मैंने उससे कहा कि तुम है ना जुगाड़ू सासू की जुगाड़ू बहू हो, तो तुमने भी खाना बना दिया। कभी मुझे अपनी बात याद आई कि मैं भी ऐसे किया करती थी, तो मेरी सास मेरी बहुत बड़ाई करती थी। तो आज जब बहू को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस आज छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए, क्योंकि सिर में बहुत दर्द है, चश्मा बिल्कुल भी नहीं लगा पा रही, हो सकता है कि चश्मे के नंबर उतर गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बस बना रही हूँ, कल बनाऊंगी देखो वीडियो, कल मैं अगर ठीक हुई मेरी तबीयत तो कल आपको थोड़ी बड़ी वीडियो दूंगी। ये वीडियो छोटी सी बनाई है मैंने आपके लिए, क्योंकि आप लोगों का मन नहीं लगता है और सबके कमेंट आपके आ रहे हैं कि आंटी जल्दी से ठीक हो फिर वीडियो बनाना। तो ऐसे ज़्यादा ख़राब नहीं है पर सिर में दर्द है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। अब मैं जा रही हूँ घर।